बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम अम्मार शेख है और मैं अजमेर नौजवान मेडिसिन ट्रेनर काम करता हूँ। एक अल्फाज जो कि हम बार बार दोहराते हैं, हकूक, कि हमें हमारे हकूक नहीं मिलते। मगर इस हकूक से पहले एक अल्फाज और पहले आता है जिसका नाम है ज़िम्मेदारी। और एज ए नेशन हमारे इस मुल्क में हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सी हैं, जिसमें से दो अहम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला सोशल एंड दूसरा सिविक, मतलब एक हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी है जो हम इस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, अपने इलाके में रहते हैं, एक हमारी वो ज़िम्मेदारी है। दूसरा हमारी शहरी ज़िम्मेदारी। शहरी ज़िम्मेदारी इस तरह कि जब हमें मुल्क के गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप घर तक महदूद रहें, आप इस ख़ास तौर पर लॉकडाउन के अंदर बाहर ना निकलें, बिला वजह बाहर ना निकलें, ना कि सड़कों पर घूमें, ना कि दूसरों को तंग करें। आपकी एक गलती से सिर्फ आप नहीं, आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता है, इवन के आपके पड़ोसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ अब देखी जाए तो समाज के अंदर हमारे पड़ोसी भी हैं और पड़ोसियों से थोड़े दूर लोग भी हैं जिनका हमें ख्याल करने की ज़रूरत है, ना कि पैनिक होके सारा सामान अपने लिए सिर्फ या अपनी फैमिली के लिए घर के अंदर ला के रख दिया जाए, बल्कि उतना लें जितना आपकी ज़रूरत के मुताबिक है। और देखा जाए इस मुल्क में रहते हुए हमारी बहुत सी और जिम्मेदारियां हैं जिनको हम मे भी फॉलो नहीं करते, लेकिन ये वक्त है एक अच्छा शहरी बनके दिखाने का। लेकिन दो तरह के शहरी आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं इसको नाम देता हूँ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो जो कि आपने देखा होगा लाइक यासिर हुसैन या JDC जैसे बंदे जो काम कर रहा है, इदारा है और फलाई इदारा है, वो काम कर रहा है और राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आप अगर एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज में देख सकते हैं तो हीरा अंबानी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं पैसिव, जिनका काम होता है सिर्फ तनकीद करना, जो कि सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं और कुछ नहीं। जो अच्छे भी कर रहे हैं काम, उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं और लोगों को बुरा भला कहते हैं। एक चीज़ आपने और भी देखी होगी, फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ अभी सबसे ज़्यादा फैली जा रही है और किस पर आती है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये दो चीज़ें, ये आपका टेक्स्ट मैसेज। आपके पास एक मैसेज आता है, आप पैनिक हो जाते हैं। पैनिक हो जाते हैं मतलब अपनी फैमिली को भी आप पैनिक कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन कभी उस मैसेज को जाना है वो आया कहाँ से, गूगल इट, अथॉरिटी, उसका आप में लिंक देखें, वो लिंक आया कहाँ से, देन उसको आगे फॉरवर्ड करें। एज एन शहरी मेरी ये जिम्मेदारी थी ये वीडियो बनाना जो कि मैंने बनाई, और मैं आपकी मेरी जिम्मेदारी है इस कड़े वक्त के अंदर एक साथ मिलकर इस खास तौर पर कोरोना वायरस का हम मुकाबला करें। इस तरह नहीं, बाहर निकल के नहीं, अपने घरों तक महदूद होकर। थैंक यू।